अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस फार्मूला फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस को मैं ऐड करूँगा, उसकी सब्ट्रैक्शंस करूँगा, तो विस उसके फॉर्मूले क्या बनेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसी लेक्चर की बेस पे हम फिर एक्सरसाइज 12.5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला प्रूफ है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को मैं प्रूफ करूँगा राइट हैंड साइड को, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ बी। तो साइन इनवर्स एक्स को सपोज करो एक्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए और साइन इनवर्स बी को वाई सपोज करो, ठीक है। अब ये साइन जब इस साइड पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू ए, साइन एक्स इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे ये साइन इनवर्स जब इस बी, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसी फॉर्मूले के थ्रू साइन एक्स प्लस वाई, इसके थ्रू मैं इसका प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब मैं यूज़ करूँगा साइन एक्स प्लस वाई, ट्रिग्नोमेट्रिक्स फॉर्मूले के थ्रू मैं इसका प्रूव करूँगा साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। यहाँ पे देखो साइन एक्स की जगह तो मैं ए पुट करूँगा, इस साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और इस साइन वाई की जगह बी आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कॉस वाई की वैल्यू क्या होगी और कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सो एज वी नो दैट एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन की इक्वल है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका अंडर रूट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो कॉस एक्स क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स की वैल्यू क्या है, ए है, तो ये हो जाएगा वन माइनस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा वन माइनस ए स्क्वायर, ये कॉस एक्स की वैल्यू हुई। सिमिलरली मुझे कॉस वाई की वैल्यू चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई बन जाएगा कॉस स्क्वायर वाई, आप लोग अंडर रूट ले सकते हैं कॉस वाई, और साइन वाई की वैल्यू क्या है, कॉस वाई इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू है बी स्क्वायर। अब एक ये रिजल्ट हुआ, एक हमारे पास ये है, एक ये है और एक ये हुआ, इन चारों को यहाँ पे पुट करो। मैं राइट हैंड साइड में पुटिंग करूँगा, यहाँ पे देखो साइन एक्स प्लस वाई, तो देख लो साइन एक्स की वैल्यू है ए और कॉस वाई की वैल्यू है अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर प्लस कॉस एक्स की वैल्यू है क्या, कॉस एक्स की वैल्यू है साइन वाई की वैल्यू बी है स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये चार वैल्यूज पुट की। अब देखो ये साइन जब शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे वन माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कौन सी है, एक्स की वैल्यू है साइन इनवर्स ए और वाई की वैल्यू है साइन इनवर्स बी विच इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड आप लोग दोबारा लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला प्रूफ था। इस पहले प्रूफ को आप लोग साइन एक्स प्लस वाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स फॉर्मूले से कर सकते हैं। यहाँ पे देखो दूसरा रिजल्ट्स ये है कि अगर यहाँ पे माइनस आ जाए, अगर यहाँ पे माइनस आएगा
तो फिर सिर्फ ओनली यहाँ पे ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बाकी प्रूफ इसका सेम है। यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन आएगा तो फिर यहाँ पे माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में हम यूज़ करेंगे साइन एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो दूसरा, अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाए तो फिर भी आप लोग इसका प्रूफ इसी तरह कर सकते हैं। अब मैं थर्ड रिजल्ट प्रूव करूँगा, माइनस बी स्क्वायर। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड सपोज करूँगा, लेट सपोज करो कॉस इनवर्स ए, वाई सपोज करो कॉस इनवर्स बी। तो ये इनवर्स जब लेफ्ट साइड पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू ए, इसको आप इक्वेशन वन का नाम दे सकते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस y इज इक्वल टू बी, ये दूसरा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ मैं यूज़ करूँगा कौन सा फार्मूला, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे cos x प्लस वाई वाला फार्मूला। तो cos अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल था, cos x cos y। तो यहाँ पे देखो, कास एक्स की जगह तो मैं ए लिख सकता हूँ, इस कास एक्स की जगह मैं ए लिख दूँगा, और इस कास वाई की जगह मैं बी पुट करूँगा। इसी फॉर्मूले में हम पुटिंग करेंगे, कास एक्स की जगह मैं ए पुट करूँगा और कास वाई की जगह मैं बी पुट करूँगा, तो यहाँ तो ए भी आ जाएगा। लेकिन अब बात यह है कि साइन एक्स और साइन वाई की जगह मैं क्या पुट करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जिस तरह हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, साइन एक्स वन माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स की वैल्यू है ए, तो इस कॉस एक्स की जगह ए पुट करो तो ये आ जाएगा वन माइनस ए स्क्वायर। ये थर्ड रिजल्ट्स हुआ। सिमिलरली तो कॉस वाई की वैल्यू क्या है, साइन वाई वन माइनस बी स्क्वायर। तो एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू और एक वन ओवर टू, इसको यहाँ पे पुट करो तो ये क्या बन जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, ए है, कॉस एक्स इज इक्वल टू ए, कॉस वाई इज इक्वल टू बी माइनस साइन एक्स, साइन एक्स की वैल्यू है स्क्वायर। और ये कॉस जब शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे तो यहाँ पे, तो व्हाट इज एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स मैंने क्या सपोज किया था, एक्स की वैल्यू है कॉस इनवर्स ए, और y की वैल्यू है cos इनवर्स b, जो इक्वल है cos इनवर्स ए बी माइनस अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर वन माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे आप लोग इसको प्रूव करोगे cos x प्लस वाई cos अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले से, ठीक है। और यहाँ पे अगर माइनस आ जाए, यहाँ पे अगर माइनस आएगा तो फिर सिर्फ ओनली यहाँ पे चेंजिंग होगी, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ पे अगर प्लस होगा तो फिर यहाँ पे माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि कॉस एक्स माइनस वाई चैप्टर नंबर 10 में हमने ये पढ़ चु हम ये पढ़ चुके हैं, कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। इसका प्रूफ पेपर में आ सकता है। मैं टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी डिवाइड बाय ए माइनस बी का प्रूफ करूंगा। तो मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, टेंजेंट इनवर्स ए, तो सपोज करो एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए एंड y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स b। तो ये इनवर्स जब शिफ्ट हो जाए इज इक्वल टू b, इसको आप लोग इक्वेशन वन कह सकते हैं।
और इसको आप लोग इक्वेशन टू कह सकते हैं। अब इसको मैं प्रूव करूंगा इसी फॉर्मूले की मदद से, टेंजेंट एक्स प्लस वाई जो इक्वल है टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई डिवाइड बाय वन माइनस टेंजेंट एक्स टेंजेंट वाई। ये हम चैप्टर 10 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेंजेंट एक्स की वैल्यू क्या है, टेंजेंट एक्स की वैल्यू है हमारे पास, मतलब मैं लिख दूंगा टेंजेंट एक्स प्लस वाई, राइट साइड पे टेंजेंट एक्स की वैल्यू है ए, टेंजेंट वाई की वैल्यू बी है, वन माइनस टेंजेंट एक्स की वैल्यू ए बी। अब इस टेंजेंट को शिफ्ट करो तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी डिवाइड बाय ए माइनस बी, सही। तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है टेंजेंट इनवर्स ए और वाई की वैल्यू है टेंजेंट इनवर्स बी विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी डिवाइड बाय ए माइनस ए बी, ठीक है। ये फाइव नंबर प्रूफ था। नंबर सिक्स आप लोग किस तरह करोगे, अगर यहाँ पे सपोज माइनस आ जाए तो फिर ऊपर माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम टेंजेंट एक्स माइनस वाई की जब एक्सपेंशन करेंगे तो फिर मैं लिख दूंगा टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट वाई डिवाइड बाय वन प्लस टेंजेंट एक्स टेंजेंट वाई। तो ये प्रूफ वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ है। फॉर्मूले के थ्रू मैं इसका प्रूफ करूँगा कि टू टेंजेंट इनवर्स ए इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2a डिवाइड बाई 1 माइनस ए स्क्वायर के किस तरह इक्वल है। तो इसके लिए, इस प्रूफ के लिए आप लोग ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स। यहाँ पे देखो अगर मैं इस b की जगह a पुट करूँ, पुट b इज इक्वल टू a या a इज इक्वल टू b, तो ये क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स ए टेंजेंट इनवर्स ए इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए प्लस ए डिवाइड बाय वन माइनस ए स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जहाँ पे बी है वहाँ पे आप लोग ए रिप्लेस करो, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे वन मौजूद है, यहाँ पे वन मौजूद है, तो इसको जब मैं ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा टू टेंजेंट इनवर्स ए इज इक्वल टू, इसको भी ऐड करो टेंजेंट इनवर्स टू ए डिवाइड बाय वन माइनस ए स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम एक्सरसाइज 12.5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टेटस विद।